हिंदू सनातन धर्म में हमारे पूर्वज दादा परदादाओं को देवताओं की तरह पूजनीय माना गया है। उनके देहांत के बाद हम उनकी फोटो को घर में लगाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर घर में लगाना से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। लेकिन क्या हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं? क्योंकि घर में पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगाना चाहिए यह बात जरूरी होती है। तो आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि घर में किस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में देवताओं की तरह जो हमारे पितृगण हैं, जो पूर्वज हैं, जो दादा परदादा हैं, उनको देवताओं की भांति पूजनीय माना जाता है। उनका श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, जिससे कि उन पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी प्रकार हम उनकी फोटो या तस्वीर को घर में लगाते हैं, लेकिन हम उनकी फोटो अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी लगा लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव होता है, कई प्रकार के नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं। इसलिए आइए हम जानते हैं कि पूर्वजों या पितरों की फोटो या जो हमारे परिवार के लोग दिवंगत हो चुके हैं उनकी फोटो हमको कहाँ लगाना चाहिए या कहाँ नहीं लगाना चाहिए। हमारे पूर्वजों की फोटो हमको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। यदि हम बेडरूम में फोटो लगाते हैं तो हमारे घर में अशांति होगी, क्लेश का माहौल बनेगा। दूसरा, किचन में भी हमको फोटो नहीं लगाना चाहिए पितरों की या पूर्वजों की। ऐसा करने से धन की कमी होती है और साथ ही साथ व्यक्ति के कर्जा भी बढ़ता है। तीसरा, घर के मंदिर में भी हमको फोटो पितरों की नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार के संकट या मुसीबत आती है। पूर्व या उत्तर की दीवार पर भी हमको पूर्वजों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी उन्नति रुकती है। तो सही दिशा क्या है? दक्षिण की जो दीवार रहती है, दक्षिण दिशा में जो हमारे घर की दीवार है, उस दीवार पर हमको हमारे पूर्वजों की फोटो लगाना चाहिए। प्रतिदिन हमको तेल का दीपक उस फोटो के सामने लगाना चाहिए। यह जो दक्षिण की दिशा है, यह यमलोक की दिशा है, यह पितृलोक की दिशा है, यह पूर्वजों की दिशा है। इसलिए दक्षिण की दीवार पर हमको हमारे पूर्वजों की, पितरों की फोटो लगा करके नित्य तेल का दीपक लगाना चाहिए। और पूर्वजों की ऐसी तस्वीर जिसमें कोई जीवित व्यक्ति भी हो, ऐसी फोटो या तस्वीर हमको नहीं लगाना चाहिए। उन पूर्वजों की अकेली या सिंगल फोटो हमको लगाना चाहिए, उस फोटो का पूजन करना चाहिए। यदि इस प्रकार हम नियम पूर्वक फोटो लगाते हैं, रखते हैं, तो निश्चित ही नियम पूर्वक लगाने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी।